गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट ऑफ क्लास सेकेंड. नाउ ओपन योर बुक स्टूडेंट. डियर स्टूडेंट्स, टुडेज वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 10, इंस्टेड ऑफ नेमिंग वर्ड्स प्रोनाउन. पेज नंबर 30 हैज़ बीन कंप्लीटेड. नाउ लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 31. चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, इट तक. अब हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट. यू इज़ यूज्ड फॉर वन पर्सन एज वेल एज फॉर मोर देन वन पर्सन. हम यू यूज़ करते हैं एक ही पर्सन के लिए, और जैसे कि एक पर्सन से अगर ज़्यादा हो तो उसके लिए. ओके, ही इज़ आर यूज्ड फॉर मेल्स. ही और हिज यूज्ड करते हैं हम किसके लिए यूज़ करते हैं? मेल्स के लिए, जैसे लड़का या फिर आदमी, बॉय और मैन. एंड ही शी हर आर यूज्ड फॉर फीमेल नेम्स. और हम स्त्रीलिंग शब्दों के लिए यूज़ करते हैं शी और हर, और पुल्लिंग शब्दों के लिए ही और हिज. चलिए लेट अस डू इट. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस. ए डैश एम विलियन. आई एम विलियम. बी लेस्ली इज़ अ गुड गर्ल. यहाँ पे गर्ल की बात हो रही है इसलिए हम फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे? शी. शी इज़ अ गुड सिंगर. हरी अप टॉम. डैश आर गेटिंग लेट. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? वी आर गेटिंग लेट. मारिया एंड कुसी आर फ्रेंड्स. दे आर स्टडी इन सेम क्लास. बिल हैज़ अ पिक्चर. डैश इज़ ब्यूटिफुल. ये ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे मैंने इट लगाया. इट इज़ अ ब्यूटिफुल. चलिए कलर द बॉक्सेस दैट कंटेन प्रोनाउंस. जिस बॉक्स में प्रोनाउंस कंटेंट है उसको आपको कलर करना है. जैसे आई, तो मेरे पास पेंसिल है, मैं आपको पेंसिल से ही करके दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स. मैंने इस बॉक्स को पेंसिल से फिल कर दिया है अच्छे से, देखिए. ओके, दिस काइंड ऑफ वे आप भी ऐसे ही करेंगे. और ही को भी मैंने किया है, ही वाले बॉक्स को इस तरह से. ओके स्टूडेंट्स, चलिए हिम भी होगा. ओके, शू वी भी होगा. क्लॉस हिज भी होगा. ओके, फुटबॉल शी भी होगा. इट आपको पूरी तरह से कलर करना है, मैं आपको खाली एग्जांपल के तौर पे दिखा रही हूँ. यू माई दे हर. ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. चलिए बी पार्ट. The pronouns which are used for the person speaking are called pronouns of the first person. Pronoun यानी सर्वनाम शब्द यूज होते हैं उनके लिए जो प्रोनाउन पहले प्रथम पुरुष, इसे हम फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष कहेंगे. ठीक है, द प्रोनाउंस विच आर यूज फॉर पर्सन स्पोकन आर कॉल्ड द प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन. The pronouns which are used for person spoken about are called pronouns of third person, यानी तृतीय person. ठीक है students, जो सर्वनाम शब्द जो person बोल रहा है उसके लिए वो होगा प्रथम पुरुष, और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो होगा द्वितीय person, यानी द्वितीय पुरुष. और जो जिसके बारे में बात की जा रही है अबाउट, और वो होगा थर्ड पर्सन यानी तृतीय पुरुष. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जैसे मैं खुद, आई माई मी माइन वी आवर अस आवर्स. सेकंड पर्सन प्रोनाउंस यू यूअर यूअर्स. थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ही हिज हिम शी हर हर्स इट इट्स दे देयर देम देयर्स. तो स्टूडेंट्स अभी हम यहीं तक करेंगे. ओके, नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे. बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू. स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए. बाय ऑल ऑफ यू.